The Daily Show with Muneer Memon. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। गुज़श्ता दिनों में जनाब इसहाक डार साहब मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर कराची के दौरे पर आए और यकीन तौर पे जो कराची में उन्होंने गुफ्तगू की, पाकिस्तान की मीशत के हवाले से जो कुछ मामलात के हवाले से आगाह किया, तशवीशनाक है। इस हवाले से पाकिस्तान में इस वक्त हर वो शख्स जो कि पाकिस्तान की मीशत से जुड़ा है या पाकिस्तान की मीशत से इसके हवाले से कुछ अपने तासुरात रखता है, ख्यालात रखता है, वो इस वक्त परेशानी का शिकार है, क्योंकि इस वक्त तमाम आदाद शुमार की तरफ नज़र डाली जाए तो वो किसी भी तौर पर मुस्बत नज़र नहीं आते। ये आदाद शुमार आज से ख़राब ना हुए, कुछ अरसे से ये आदाद शुमार बहुत तेज़ी से ख़राब होना शुरू हुए। ख़ास तौर पर जब ये बात की जाती है कि जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है पाकिस्तान का, वो एक वक्त में पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क 5 से 10% हुआ करता था, जो कि एक वक्त में एग्रीवेट होते हुए 75 से 85% तक कोट किया गया। ये तमाम तर सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब हम बात करते हैं कि IMF के हवाले से जो पाकिस्तान के मामले आते हैं वो कोई ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आते। सागदार साहब आए तो इस अहद के साथ थे कि वो IMF को बहुत अच्छे से टैकल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानब अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो अपने दोस्त ममालिक से अक्सर तावुन लिया करता था, सपोर्ट लिया करता था, आज वो दोस्त ममालिक भी कहीं नज़र नहीं आते। ये कहा जाए कि पाकिस्तान की मौजूदा खारजा पॉलिसी इस वक्त बुरी तरीके से नाकाम नजर आती है तो इसमें गलत ना होगा। पाकिस्तान माशी तौर पर किस दहाने पर आ खड़ा हुआ है, इसके हवाले से यकीनी तौर पर लोगों में जो तशवीश पाई जाती है वो भी बेजा नहीं। लोगों का आम तौर पर यह तासर है कि कहीं पाकिस्तान श्रीलंका वाली डगर पर ना पहुंच जाए और यह ना हो कि आज जिस तरीके से आवाम सड़कों पर नजर आती है, कल यही से आवाम राशन करते हुए पेट्रोल की लाइनों में खड़ी नजर आए। ये सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर इकोनॉमिस्ट और सहाफी जनाब अली मोहम्मद उस्मानी साहब। जरा इनसे जानेंगे कि जो पाकिस्तान की मौजूदा मईशत की तबाह हाली है, इसके पीछे की वजूहात क्या है और क्या ऐसे इकदाम है जो गवर्नमेंट कर सकती है लेकिन करने से कासिर है। अली अस्सलाम वालेकुम। अली, पहले तो जो इस वक्त इकोनॉमी के हाल से एक बात कही जा रही है, हर खासवाम इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को लेकर परेशान है। हम देख रहे हैं कि डॉलर लगातार अपवर्ड ट्रेंड पे नजर आ रहा है, पाकिस्तानी रुपया तेजी से कदर खो रहा है, पाकिस्तान की मईशत बहुत तेजी से एट रिस्क नजर आ रही है, एक्सपोर्ट्स लगातार नीचे की तरफ आ रही है, रेमिटेंसेस नीचे की तरफ आ रही है, आदाद और शुमार साथ नहीं दे रहे, क्या हो गया अली इस हवाले से? देखें मुनीर साहब, सबसे पहली चीज मैं आज सबसे एक पहला मुद्दा जिसके बेसिस पे इकोनॉमिक पैरामीटर हमारी इकोनॉमी के हमारी तो नहीं खाते इंटरनेशनल इकोनॉमिक का देखा जाता है वो है इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट जी। मैं खैर से इस चीज को डिनाई भी करता हूँ कि इंटरेस्ट रेट के बेसिस हमारा पैरामीटर देखा जाता है, बहरहाल मगर यही हमारे पास यादस्टिक मौजूद है। देखा जाए तो पूरे एक साल पहले मैंने वॉज इन इस्लामाबाद, आपसे जब मेरी बात हुई थी और उससे पॉलिसी रेट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, यही 13 से 15 नवंबर के दरमियान की बात थी और आपने मुझसे बात की थी, तो मैंने उस वक्त आपसे ये कहा था कि ग्रेजुअली बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका 15 से 16% के करीब जाएगा जी। ठीक है, और अगर आप हैं तो उसको जाके रिव्यू कर सकते हैं, जाकर उस स्टेटमेंट को मेरी, और आज जो है वो 16% के ऊपर ये इंटरेस्ट रेट पहुंच चुका है। मैंने कोई, मेरे पास कोई नाउज़ बिल्ला कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसकी बेसिस पर मैं प्रेडिक्ट कर रहा था, मैं इकोनॉमिक इंडिक्स को और इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस को देखते हुए ही बात कर रहा था। एट दैट टाइम इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के बेसिस के ऊपर कुछ तहफ़ुज़ात IMF के भी थे और चीजों के ऊपर बहुत सी मेल फंक्शनिंग भी थी आपकी। उस वक्त भी हर 2-3 महीने के बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क पे चल ही जा रहा था, ये अभी की बात नहीं है, पिछले कुछ हफ्ते में हम देख ही रहे हैं। तो ये जब सिचुएशन थी तो मुझ जैसा एक बंदा जो इस चीज को एनालाइज कर रहा है, फोरकास्ट कर रहा है कि 16, बताने का सिर्फ मकसद ये है कि मैं एक नालायक सा शख्स जो है वो बता रहा हूँ कि 16% पे इंटरेस्ट रेट जाके अप्रोच कर सकता है, जो थिंक टैंक बैठे हुए थे या जो एनालिस्ट कर रहे होते हैं TV चैनल्स के ऊपर बैठ के, क्या उनको ये थ्रेट उस वक्त नहीं दिख रहा था? पहला पॉइंट, TV एंकर आपके प्रोग्राम्स के ऊपर बहुत से आते हैं फाइनेंस, सॉरी टू से, जरा मैं इस बात को मुझे बोलने दें कि हम क्या सिर्फ न्यूज बनाते हैं या न्यूज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, प्री एम्प्टिव मेजर्स क्या हम नहीं ले सकते इन चीजों के अंदर? तो जब वहां पे जाके देखा जाए तो एक, जब मैंने यहाँ पे आपको एक वार्निंग साइन दिया और मैं हर दफा अपनी न्यूज़ को कोट करता हूँ आपके प्रोग्राम में, तो वहां पे जब कोई भी उस पर आए चीजें आई, कोई इनस्टेबिलिटी या चले वो इनस्टेबिलिटी तो बीच में जो कुछ भी है, मगर अल्टीमेटली जो एक अनफॉर्चुनेट टारगेट मैंने कहा था, अनफॉर्चुनेट टारगेट डेफिनेटली 16% इज नॉट अ गुड इंटरेस्ट रेट फॉर एनी इकोनॉमी, वो हिट कर गया। अब बात यहाँ पे आती है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, अनसर्टेनिटी थी। अली, ये पहले बताएंगे कि ये 16% पे भी हम रुक जाएंगे, क्योंकि फिलहाल तो जो सूरत हाल है वो 16% से भी शायद आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
देखिए 16% तो मैंने आपको उस वक्त इसलिए कहा था क्योंकि आपने कहा था कि इतना ज्यादा तेजी के ऊपर इंटरेस्ट, तो मैंने कहा था ग्रेजुअली लेके जाएंगे और टेक्स 8 to 10 months टाइम, राइट जी, क्योंकि इतनी तेजी से आप नहीं लेके जा सकते हैं। कोविड के बाद आपकी इकोनॉमी रिवाइव नहीं की थी। देखिए सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि ये जो इंटरेस्ट रेट का पैरामीटर इंटरनेशनल इकोनॉमीज में चल रहा होता है इसकी बुनियाद क्या होती है, क्या अपनी मर्जी से इंटरेस्ट रेट इम्पोज कर दिया जाता है या इसके पीछे कोई पैरामीटर्स होते हैं। देखिए इंटरेस्ट रेट बेसिकली अगर हम देखते हैं तो सेविंग के एकदम पैरेलल चल रहा होता है इकोनॉमीज के अंदर, यानी जहां पे इन्वेस्टमेंट का फुकदान होता है तो वहां पे सेविंग को फरोग देने के लिए बैंक को इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है ताकि लोग जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते किसी भी मुल्क में तो पैसा जाया करने से बेहतर ये है कि उनको बैंक में रख के एक अच्छे रेट के ऊपर ले लें ताकि पैसा मेल फंक्शनिंग पे ना जाए, राइट। अगर इकोनॉमीज जो है वो आउट परफॉर्म कर रही होती है या उनमें इन्वेस्टमेंट सिनेरियो या इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बहुत अच्छे होते हैं तो उन क्लाइमेट के बेसिस के ऊपर यही इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है ताकि जो है आप जो पब्लिक है वो पैसे को मार्केट से रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर ले। सही। अब कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को मैं प्रेडिक्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि आपका कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर जो भी टारगेट सेट हो रहा था वो आपके अपनी परफॉर्मेंसेज के बेसिस पे नहीं हो रहा था, वो डिटरमाइन किया जा रहा था एक थर्ड लोकल इंटरनेशनल बॉडी जिसको हम IMF कहते हैं। सही। वो हमको डिटरमाइन जब किस कर रहा होता है तो वहां पे उनके मैं बार बार यही कह रहा था कि हमारी इकोनॉमी का एक परसेप्शन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो एक ऐसा है कि हम जो है वो नॉन प्रोडक्टिव इकोनॉमी के तौर पे सामने आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जब तक हम अपनी प्रोडक्शन वाइज उनको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर या इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर सिर्फ ये नहीं देखें कि पिछले साल 1 बिलियन की प्रोडक्शन की तो इस साल 1.5 बिलियन की प्रोडक्शन कर दी, 50% इंक्रीज हो गया, इससे नहीं देखा जाता। देखा ही जाता है कि नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी, आपके मुल्क में इन्वेस्टर्स कितने आए, आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसे बना, तो ये तमाम तक चीजें देखी जाती हैं। हम सिर्फ नंबर्स के ऊपर बात करते हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 5% ग्रो कर दिया, 10% ग्रो कर दिया, भाई वो तो अगर ग्रो किया है तो फिर डिक्लाइन भी होगा और ये कोई इतना बड़ा मेजर नहीं है जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी की परसेप्शन इंटरनेशनल मार्केट्स में चेंज हो। तो ये जो पैरामीटर है, देखिए हमको IMF को या वर्ल्ड बैंक को या एशियन डेवलपमेंट बैंक को क्रिटिसाइज करने से पहले ये देखना चाहिए कि हमारा अपना पैरामीटर जो है वो कितने स्ट्रॉन्ग है। अली लेकिन ये बताया ना, देखिए ये जो आप बात करेंगे कहीं तो पर सारी सही है लेकिन एक आम आवाम के मैं पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आम आवाम चाहती है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसको कम किया जाए। हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं पर पाकिस्तान में उसको बरकरार रखा जाता है। ये भी तो एक बड़ा फैक्टर है जो पाकिस्तान में मौजूदा महंगाई है, इन्फ्लेशन है और शायद यही वजह है कि इन्फ्लेशन हमारे हाथ से अब निकलती हुई नजर आ रही है। देखिए मैं एक चीज एक बात बताता हूँ कि हम डायरेक्टली किसी भी गवर्नमेंट को, देखिए हम सर्वाइव कर रहे हैं, चीजें चल रही है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे और कोई भी मुल्क डिफॉल्ट होना पसंद नहीं करता, ठीक है। जो भी इस वक्त थिंक टैंक्स बैठे हुए होते हैं वो अच्छी पॉलिसी कर रहे हैं, गलत पॉलिसी कर रहे हैं, 70 ईयर्स बैक से हम यही बातें करते चले हैं, अच्छी पॉलिसी गलत पॉलिसी, मगर कहीं ना कहीं डे इनके ऊपर हम सर्वाइवल मोड पे या सेफ मोड पे चले जाते हैं, ऐसे ही है ना सर जी? जी, उसकी बुनियादी वजह यही है कि फिर हम देखते हैं कि जब हमने सेफ मोड पे जाना है, सर्वाइवल मोड पे ही चले जाके हम सर्वाइव कर लेते हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमी जहाँ का 1% लोग जो है सिर्फ टैक्स पे करते हैं, 2.9 मिलियन लोग टैक्स पे करते हैं 22 करोड़ में से, तो वो कैसे सर्वाइव कर जाती है? लेकिन अली मुझे ये तो पहले क्लियर बताया ना कि क्या गवर्नमेंट का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आम आदमी का सवाल है कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों को कम किया जाए, क्या गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि गवर्नमेंट ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को 20-25-50 रुपए तक कम कर सके, आम आदमी को रिलीफ दे सके, आम सारे को रिलीफ दे सके? एग्जैक्टली द पॉइंट इज दैट कि आपकी जो आज तक IMF का कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट आपके सामने डिस्क्लोज नहीं हुआ जी, अगर आपके पास है तो ले आए मेरे सामने, मैं उस पर डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि IMF के साथ एक मुआहदा हुआ हुआ है? सर क्या मुआहदा हुआ हुआ है, जब तक वो छुपा हुआ है क्या पता मुआहदा ना भी हुआ हो और गवर्नमेंट जो है वो उसकी सपोर्ट लेके कोई ना कोई अपना एग्जाम कर रही हो, आपको क्या पता, जब तक आप मुआहदा नहीं देख सकते आप कुछ नहीं कह सकते किसी के बारे में। मैं लास्ट ईयर भी इसी जब ये इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था तो और पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर एक चेंजेस आ रहे थे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो मैंने आपसे उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी कि सर कहीं से मुआहदा निकाल के ले आए फिर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा चले इसको सवाल को जरा बदल देते हैं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की मौजूदा मईशत इस बात की इजाजत देती है या पाकिस्तान की मईशत को ये सूट करेगा कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए, ये बता दें। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जब ये गवर्नमेंट को एक तो सबसे पहले एक तो लेवीज आपने देखा कि बढ़ा दी जी, 50 रुपए तक की लेवीज ली जा रही है, क्यों ली जा रही है क्यों? अब बात अगेन आप सेंटर पॉइंट पे है कि आपकी इकोनॉमी जो है प्रोडक्टिव इकोनॉमी नहीं है,
तो ये प्रोडक्टिव इकोनॉमी मैंने तो नहीं बनानी है, तो गवर्नमेंट बनानी है, गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना है। इंटरनेशनल मार्केट में पोर्ट्रे हो रहा है ना, क्या पोर्ट्रे हो रहा है आपको जब 16% इंटरेस्ट रेट के ऊपर? तो सर वो जो फाइनेंस मिनिस्टर जो बड़े काबिल हैं, जो 3 बार फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने आके तो कहा था कि मैं वो पोर्ट्रे करूंगा जो हम करना चाहते हैं, हम अपनी मईशत को बेहतर समझते हैं, हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, तो फिर उनको लेना नहीं चाहिए था डिक्टेशन। ये बात बिल्कुल आप जा कह रहे हैं बिल्कुल कि इस तरीके से हमारे बिल्कुल सेम स्टांस तो पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर भी लिया जा सकता था, लेकिन उस वक्त और आज के हालात तो और ज्यादा खराब हुए हैं। आज तो मैं कहूंगा कि सूरतहाल उससे ज्यादा बदतर नजर आ रही है। देखिए मैं वही आपसे अगेन बात कर रहा हूँ कि एक इंटरनेट हम जो बात कर रहे हैं ना, मैं और आप अभी इस पे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये चीजों के बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं एक नीचे लेवल्स को देखते हुए जी, जिसकी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसकी पॉलिसी के ऊपर क्यों आप के, मैं तो नहीं कर सकता था उसको कन्विंस कौन करेगा, इसहाक डार साहब करेंगे ना सर? तो सर यही तो सवाल है, इसहाक डार साहब तो आए थे इस बात को लेके कि मैं आईएमएफ को कन्विंस करूंगा, मैं जानता हूं आईएमएफ को कैसे कन्विंस करना है, उन्होंने दौरा भी किया था बर्तानिया का, उन्होंने तो आईएमएफ हेडक्वार्टर में जाके बहुत सी बातें भी कही थी, लेकिन वो क्या हुआ कि वो सारी बातें हवा हो गई, आज इसहाक डार साहब कहीं दिखाई नहीं दिखते, आज डॉलर जिसको वो बड़ा क्लेम कर रहे थे कि देखे हमारे अनाउंसमेंट से डॉलर 20 रुपए नीचे आ गया, आज फिर वही डॉलर 223 के या 225 के ऊपर फरोख्त होता है, बल्कि वहां भी अगर आप ओपन मार्केट में जाए तो डॉलर देखने को नहीं दिखाई दे रहा। एग्जैक्टली exactly, आप ये देखें ना बाद में एक तरफ स्टेटमेंट ये भी तो आती है स्टेट बैंक की जानिब से, या पिछले दफा स्टेट बैंक की जानिब से आई थी, या मुख्तलिफ इदारों की जानिब से आती है, वो ये भी कहते हैं कि डॉलर जो है वो इलीगल सोर्स से भी पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मेल फंक्शनिंग है। अभी आप तो एक जो लूप होल्स है उनको ही अभी आप पहले ब्लॉक तो करें सर, मैं सॉरी टू से तो आप ये कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट टेक्निकली फेल नजर आती है, गवर्नमेंट के हाथ में फिलहाल कुछ नजर ही नहीं आ रहा गवर्नमेंट के पास। तो देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं एक चीज की आपसे मात्रा भी करता हूँ कि देखिए इसहाक डार साहब का प्रीवियस टेन्योर था जिसके अंदर उनकी एक समझ ले थोड़ी सी एक गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी थी, और आपने मुझसे आज से 3 महीने पहले प्रोग्राम में पूछा था तो मैंने सर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तभी उन्हीं की पार्टी के वजीर खजाना ने आके उन्हीं की पॉलिसीज को कंटिन्यू नहीं किया, इतनी अच्छी वो परफॉर्मेंस थी। मैं वही बता रहा हूँ, मैंने आपसे एक लफ्ज कि 3 मंथ्स बैक आपने जब मुझसे इंटरव्यू किया जी, तो जी, जी। पर मैंने बड़ा ऑप्टिमिस्टिकली उनको सपोर्ट किया था। ठीक है, और वो ऑप्टिमिस्टिकली सपोर्ट क्यों किया था, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस देख के। ठीक है, और आज जब वो डिलीवर नहीं करते तो मेरे पास राइट है उनके अगेंस्ट जाने का। मैं ये तो नहीं है ना कि अगर उनको मैंने एक दफा सपोर्ट कर दिया इसहाक डार साहब को और वो परफॉर्म नहीं सर, मुझे ये बताएं कि आपकी मौजूदा गवर्नमेंट से 2 फाइनेंस मिनिस्टर की जो हम स्टेटमेंट्स को निकालते हैं, दोनों फाइनेंस मिनिस्टर एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक ही क़यादत को फॉलो करते हैं, दोनों के बयानात ऐसा लगता है कि टग ऑफ वॉर चल रही है, दोनों एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं, शायद एक एक की पॉलिसी को गलत बोलता है, दूसरा दूसरे पहले की पॉलिसी को गलत बोलता है। सर ये तो आपकी मईशत की सूरत हाल है, आपका पहला वजीर खजाना सेम पार्टी से बिलोंग करते हुए अपनी पार्टी के वजीर खजाना को ओन नहीं कर रहा, तो कौन करेगा? बात वही है ना कि ये जो पूरा एक सिचुएशन है, चाहे वो ये मौजूदा हाल में बनी हो, चाहे 2 साल से जब से आपका प्रोग्राम चल रहा है, 2.5 साल से 3 साल से आपका प्रोग्राम जब से चल रहा है, जब से प्रीवियस गवर्नमेंट की बनी हो, एक चीजें आती हैं उसके ऊपर और डिस्कशन के बाद जो है हमारे आवाम जो है वो एक अपना ओपिनियन देने का राइट रखते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि सर ये बिल्कुल ही रिडिकुलस चीज है कि अगर पार्टी के मैंडेट के तहत अगर वजारत खजाना आ रही है, पिछली गवर्नमेंट को छोड़ दे, उन्होंने तो वजारत खजाना और एसबीआर की तो जो मट्टी पलीत की थी ना इतनी शफलिंग करके जी, एक तो वहां इनस्टेबिलिटी आई, उसका कॉन्सिक्वेंस भी आईएमएफ के ऊपर आ रहा है, सेकंड अभी जो आई वो मिस्टर इस्माइल साहब के बाद इसहाक डार साहब आए, उनमें भी इनस्टेबिलिटी आ रही है। मतलब आप ये देखिए कि फ्यूचर के अंदर जो है इंटरेस्ट रेट को शायद कहीं 20-21% पे कहीं जाने की बात नहीं। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 20-21% इंटरेस्ट रेट चला जाएगा, इसका क्या मतलब है कि महंगाई क्या 35-40% देखने को मिलेगी हमें? देखिए बिल्कुल, अगर मैं अपने तौर से ये नहीं इंडोर्स कर रहा कि ऐसा हो सकता है, मैं कहता हूँ कि अगर ये इकोनॉमिक पॉलिसीज को अगर ये प्रॉपर तरीके से पोर्ट्रे नहीं करते और आगे जाके इसी तरीके से सेंटीमेंट क्रिएट रहते हैं आपकी इकोनॉमी, अभी देखें अभी आपको कुछ अर्से के बाद ये इन्फ्लेशन की वजह से ये देखें ऑयल मार्केट कंपनीज को उन्होंने मार्जिन पाए पेट्रोलियम प्राइसेस। अली मुझे एक बात बताएं, ये जरा क्लियर कर दें, इस वक्त पाकिस्तान में सारे सेक्टर्स प्रेशर का शिकार है, हमने देखा कि वो टेक्सटाइल सेक्टर जो आज से 1-1.5 साल पहले तक फ्लरिश था, बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा था, आज वो टेक्सटाइल सेक्टर कहीं नजर नहीं आ रहा। आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आज की जो इतला ये है कि मेजर दवासाज कंपनियां अपना बिजनेस रैप अप करते हुए मुल्क से बाहर जा रही हैं।
आज आपकी स्टॉक मार्केट की सूरत हाल देखें तो वो जो इंडेक्स एक वक्त में आप एक्सपेक्ट करते थे 47-48,000 पे, वो आज 40,000 पे भी बामुश्किल ठहरा हुआ नजर आता है। और उसमें भी जो वॉल्यूम्स हैं वो आप खुद देख सकते हैं कि तकरीबन ना होने के बराबर हैं। कोई नई कंपनीज नहीं आ रही, कोई नई स्कीम्स नजर नहीं आ रही, तो ऐसे में तो ऐसा लगता है हुकूमत कोई अमली तौर पर इकदाम नहीं कर रही। देखिए बात वही आती है ना कि सर यहाँ पे ये सागर साहब ने जब टेक ओवर किया उस वक्त कहा गया कि चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। मतलब हर दफा ही हम जो एक ऑप्टिमिस्टिक ग्रुप होता है, एक पेसिमिस्टिक ग्रुप होता है, कोई एक नॉर्मल ग्रुप होता ही नहीं है बीच में जी। अगर अभी आप जाके इनके सपोर्टर से पूछने लगेंगे तो वो आए बाएं शायद हाँकने लगेंगे, उसके बाद प्रीवियस गवर्नमेंट के आप स्टाफ से पूछने लगेंगे। सर ये मैं बार बार जो आपसे कहते चला आ रहा हूँ कि जब लास्ट ईयर मैंने बोला 10% इंटरेस्ट रेट था, 16% के ऊपर मैंने एक्सपेक्टेशन दी थी आपको, ठीक है, उसी वजह से दी थी कि हम कोई अली मेरे पास आखिरी मिनट है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपको लगता है महंगाई कम होती हुई नजर आ रही आने वाले दिनों में? देखिए सर महंगाई कम होने की शरह की क्या बात आप कर रहे हैं, आप तो एडजस्ट हो चुके हैं तकरीबन 180-200 रुपए टमाटर के अंदर। अगर इसके ऊपर इसी तरीके से चीजें रहती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ठीक है, अगर आप ये प्राइस को अभी अप्रिशिएट नहीं कर पाते ऑयल के $87 के ऊपर ये चल रहा है, और फॉर एनी रीजन अभी तो चाइना की कोविड की वजह से थोड़ा सा जो वहां पर रिलीफ हुआ है तो ये थोड़ा सा आया है, अगर वहां पर चाइनीज इकोनॉमी फिर ओपिल हो जाती है और डिमांड ऑयल बढ़ जाती है, और ये फॉर एनी रीजन अगर ऑयल वापस 100 USD को अप्रोच करता है तो क्या आप पौने 300 रुपए के ऊपर पेट्रोल दे रहे होंगे? और मुझे अली दूसरा ये बता दें डॉलर के हवाले से, लोग परेशान है, जो डॉलर बाय करना चाह रहे वो भी परेशान है और कुछ स्पेकुलेशंस भी हैं, आपको क्या नजर आ रहा है कि जो डॉलर की कीमतें कहां तक स्टैंड करती हुई दिखाई दे रही है? देखिए डॉलर की कीमतें इस वक्त जो अगर एक ऑन एवरेज बेसिस पे देखें तो 218-223 के दरमियान एक इन्होंने एक इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट इज नॉट अ गुड साइन कि ये भी कोई बहुत अच्छा रेट है आपकी इकोनॉमी के लिए। शर्म की बात है कि हम 200-225 रुपए के ऊपर भी डॉलर को डिफेंड कर रहे हैं, अपने रुपए की कदर को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, इसको बाय डिफॉल्ट तो होना चाहिए था अच्छे रेट्स के ऊपर नीचे की तरफ आना चाहिए, हमारे रुपए की कदर बढ़नी चाहिए, मगर ये जो सिनेरियोस है चाहे वो गवर्नमेंट की मेल फंक्शनिंग की वजह से पॉलिसीज हो, एक तो कन्वे नहीं किया जा रहा, ऊपर से आवाम की भी एक वो चीजें हैं कि वो कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं। अभी बात आ रही थी पूरी पाकिस्तान जो है वो हमारे एक ऑनरेबल आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर बहस करना शुरू कर चुका था, उसके बाद आला अदलिया की परफॉर्मेंस के ऊपर हम जैसे नालायक लोग बहस करने लगते हैं जिनका पता भी नहीं है कानून कहते किसको है, तो पूरी आवाम का जो एक सिनेरियो है उसी के पीछे तो हाई डाउट्स करके ये पॉलिसी। बिल्कुल ठीक है, आवाम को डाइवर्ट किया जा रहा है। अली आपके मौकफ का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम में वक्त महदूद होता है, यकीन तौर पर बड़ा अहम मसला था और ये बात रजिस्टर कराना जरूरी, बावर कराना जरूरी कि इस वक्त जिस बवर में हमें फंसाया जा चुका है या हम फंसते हुए नजर आ रहे हैं या जो भी गलत पॉलिसीज हैं इसका नतीजा आम आवाम को भुगतना पड़ रहा है। आज अगर दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि एक रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, पेट्रोल की कीमतें दुनिया भर में कम हो रही है, पर पाकिस्तान में कम क्यों नहीं हो रही, इसका जवाब हुकूमत दे सकती है, हुकूमती नुमाइंदे दे सकते हैं, उनके वुजरा दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो भी खामोश नजर आते हैं, वो भी तमाशाई नजर आते हैं, वो भी शायद अपनी सफों में एक दूसरे से नाला नजर आते हैं। आखिर ये वजह क्या हुई कि आज मईशत का ये हाल कर दिया गया? चंद माह की जो हुकूमत है अगर यही परफॉर्मेंस लेके ये मौजूदा हुकूमत आवाम में जाएगी तो क्या वोट और क्या मैंडेट की तवक्को की जा सकती है? उम्मीद करते हैं ये जो सूरत हाल माशी एतबार से बेहतर हो, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में एक और बड़ा मसला है जो सर उठा रहा है, एक तो गैस की शॉर्टेज अपनी जगह पर यकीन तौर पर बड़े सारे मुश्किल में इजाफा करिए, तो दूसरी जानब माहौलियाती आलूदगी और बहुत ही तेजी से बिगड़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हो। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।